हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और मेरा मानना है कि आप लोग भी अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज मैं देखिए, महुआ का बीज है, उसी का हम लोग ने क्या किया, तेल निकाला है उसी का। देखिए, तेल निकालने के टाइम इसका जो बचता है खली, वही बोला महुआ का ही खली है, ये देख सकते हैं आप। और हम लोग आज इसका एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं कि ये क्या सांप इससे भागता है कि नहीं भागता है। और हम लोग इसको ईंटा भट्ठा में लगाएंगे, क्या है कि ये बहुत ही जंगल झाड़ी के पास ही हम लोग का ईंटा भट्ठा लगा हुआ है। तो हम लोग इसको देंगे ताकि ये यहाँ से सांपों से भाग जाए। इसको गांव घर में मानना है कि इसका जो महुआ का जो ये बीज का ये जो होता है ये खल्ली सब, इससे सांप भागता है। तो आज हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करेंगे कि क्या सांप वाकई में भागता है कि नहीं भागता है। तो चलिए, इस वीडियो में बने रहिए और अंत तक देखें इस वीडियो में। और ये चैनल आपके लिए बेनिफिट है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, एक बार लाइक कर दें। तो दोस्तों देखिए, ये बहुत ही टाइट है महुआ का बीज का, और इसको हम लोग तोड़ेंगे अभी। इसको तोड़ तोड़ के गुंडी करके आज मैं उस ईंटा का भट्ठा में देंगे आज, ताकि ये सांप वो भाग जाए यहाँ से। और इसको हम लोग तोड़ेंगे अभी। ये बहुत ही टाइट रहता है, देखिए कितना टाइट है, टूट ही नहीं रहा है ये। छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने कर दिया है इसको, देखिए कैसा होता है। ये महुआ के बीज का है, और इसका तेल ही बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर ये ठंडा के दिन में आप लगाते हैं इस तेल का, तो ये कभी भी आपका पैर फटने नहीं देगा, मुंह फटने नहीं देगा, शरीर फटने नहीं देगा। साथ ही साथ ये डॉक्टर का भी माना जाता है कि ये महुआ का बीज का भी तेल बहुत ही बेनिफिट होता है। तो आइए, इसको हम सबसे पहले जलाते हैं इसको, और हम लोग जला के देते हैं। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेते हैं। सामने अब मैं इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया, अब छोटे छोटे टुकड़ों में मैं इसको कर दिया, और इसको अभी जला के देंगे अभी ईंट का भट्टी में। तो दोस्तों, ये जगह जो है मेरा, देखिए जो हम लोग लगाए हुए हैं ईंट का भट्टी लगाए हुए हैं। और ये देखिए बहुत सारा पेड़ है, देख सकते हैं, ये ताल का पेड़ है, ताल का पेड़ है। और इसमें न जाने कितने सारे, बहुत सारे ये जो कीड़े मकोड़े सांप इत्यादि बहुत सारे रहते हैं। तो ये यहाँ जो जितने भी ताल पेड़ हैं सब में रहता जहरीला जहरीला चीज़ रहता है, जीव रहता है। तो ये जीव हो सकता है कि इसमें भी घुस सकता है। तो हम लोग इसको उसको भगाने के लिए हम लोग उसी को महुआ का बीज को जो लगाए हुए हैं खली, उसी को हम लोग डालेंगे ताकि यहाँ से सांप भाग जाए। और सुरक्षित से हम लोग भी ईंट का भट्ठा इसको अलग अलग करके इसको ले जा सके सुरक्षित से, ताकि मेरा भी नुकसान ना हो और ना ही उस जीव का नुकसान हो। चारों साइड आग जलाने वाला हूँ, और इसको आग जला के इसको चारों साइड देंगे, ताकि ये सुरक्षित वहाँ से भाग जाए। जितना भी कीड़े मकोड़े हैं, यदि आपको सांप वो भगाना है तो ये जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा, ट्राई करके देखिएगा कि सांप वो भागता है। गांव के बहुत सारे लोग जानते हैं कि इससे सांप भागता है, तो हम इसी से जला रहे हैं अभी। अब मैं देने वाला हूँ खली अब, ताकि ये सीधा हम इसको भाग सके। चलो उधर देते हैं।